अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंजास कुकिंग वर्ल्ड। आज मेरे किचन में बन रहा है बादाम का केक। तो बादाम का केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। सबसे पहले एक कप आपने मैदा लेना है, यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर। एक कप चाहिए आपको चीनी का। मैं पाउडर चीनी यूज कर रही हूँ, यानी कि मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया है, तो ये हमारी पाउडर चीनी बन गई है। उसके बाद आपको चार अंडे चाहिए। ये हैं बादाम जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हाफ कप आपको बादाम चाहिए। 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच आपको बेकिंग पाउडर चाहिए। बेकिंग सोडा नहीं आपने लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और 1 चाय का चम्मच आपको वनीला एसेंस चाहिए फॉर फ्लेवर। 1 कप आपको मक्खन चाहिए यानी कि बटर। और बादाम चाहिए हमें गार्निशिंग के लिए। तो ये सामान है, तो चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ले लेना है एक केक टिन, और इसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है साइड से भी। ऑयल अच्छे से हमने लगा लिया है, तो अब हम इसमें बटर पेपर रखेंगे, ठीक है, इस साइज़ का। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें, वरना आप ये बटर पेपर लगा दें ताकि केक आसानी से बाहर आ सके। ये देखें, बटर यानी कि मक्खन को मैंने पिघला लिया ताकि ये मिक्स आसानी से हो सके। अब हम मिक्सचर रेडी करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप इसमें डाल दें पाउडर्ड शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी, मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, और ये चारों अंडे भी मैं इसमें ऐड कर देने लगी हूँ। हाँ जी, तो अब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। हम कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। तो ये मैदा है 1 कप, ये डालें, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इसको भी अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मिक्स करते जाना है इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और इसको फोल्ड करते जाना है। अब आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, और उसमें आपने नीचे नमक बिछा देना है, और इसको आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। और ये देखिए, ये प्री हीट हो गया। अब हम इसमें रख देते हैं अपनी केक ट्रे। हम इसमें डाल देंगे ये जो लास्ट रह गया था वो भी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अंदर। जी, तो ये देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जो हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब जो हमारे पास बादाम थे चॉप्ड किए हुए 1/2 कप, वो भी आप इसमें ऐड कर, इसको भी आप अच्छे से अंदर मिक्स कर लें। और बस ये हमारा बैटर रेडी है। जी, तो ये देखें जो गार्निशिंग के लिए बादाम थे इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया, और इसको अब आप नीचे केक ट्रे में लगा दें। ये जो हमारा बैटर रेडी हो चुका है इसको हम केक ट्रे में डाल देते हैं एहतियात के साथ। ठीक है जी, तो ये देखें ये बैटर रेडी है। अब हम इसको रखते हैं प्रेशर कुकर में। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टिक लगा कर देखते हैं, तो ये देखें ये भी 10 मिनट्स इसको और लगेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें स्टिक लगा कर देखते हैं, तो ये देखें अब इस पर मटेरियल नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। जी, तो व्यूवर्स ये देखिए हमने केक डिश आउट कर लिया है। एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो तो बनाई थी, बट आई डोंट नो वो कैसे डिलीट हो गई है, सो मुझे पिक्चर्स लगानी पड़ी हैं। आपको इसकी स्पॉन्जनेस तो नज़र आ ही रही होगी कि कितना स्पॉन्जी केक बना है हमारा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।